राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी है तो बीजेपी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, इसी तरह बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और सीएम वसुंधरा पूरी तैयारी के तहत मैदान में खुद उतरी। जानकारी के अनुसार सीएम वसुंधरा राजे पिछले 4 महीनों में 20 से अधिक जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दौरे करके आ चुकी है और इन दौरों के दौरान उन्होंने जनसंवाद के जरिए आम लोगों और कार्यकर्ताओं से सीधे वो रूबरू हुई हैं। इतना ही नहीं, गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, उसके बाद भी सीएम ने इसकी कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। जाहिर है करीब 5 महीनों के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है और कांग्रेस पहले से ही सत्ता में आने के लिए बेताब है और वो तैयारी में भी जुटी हुई है। हाल ही में राजस्थान में उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने दोनों लोकसभा सीटों को जीता था, इससे कांग्रेस को और बल मिला था। SPN News रूम की रिपोर्ट।